नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। कर्क राशि शनि की ढैया कब से शुरू और कब समाप्त होगी, क्या फल देंगे शनिदेव? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का केवल एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास करना। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, आपने बिल्कुल स्वयं थंबनेल में जो देखा है बिल्कुल ठीक देखा है, बहुत विशेष कार्यक्रम है कर्क राशि के जातकों के लिए आज, क्योंकि आप सभी के सुझाव के, आप सभी के प्रश्नों के जो यानी प्रश्न थे और जो भी आपके प्रश्न थे सभी जवाब आपको मिलेंगे। जो भी आपकी शंका थी, भ्रमित थे, जो भी मन के अंदर आपके सवाल थे, वो सभी जवाब आपको मिलेंगे। शनि की ढैया कर्क राशि में वर्तमान में चल रही है, फिलहाल अभी शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि में, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताऊंगा आपको कि आपकी शनि की जो ढैया है वो खत्म कब होगी, कब होगी खत्म शनि की ढैया, कब समाप्त होगी आपकी शनि की ढैया। समाप्त होने के बाद आखिर क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकता है तो ये जानेंगे ही, लेकिन फिलहाल शनि की जो ढैया चल रही है आपके जीवन में और कब तक है, जब तक तब तक क्या फल देंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको समझना पड़ेगा, जल्दबाजी में मत देखिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। शनि के कारकत्व को समझो, शनि को समझो, अपने आप को समझो, अपने कुंडली को समझो, मजा आएगा आपको। चलिए जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो ढैया साढ़े साथी जो भी होती है वो हमारे चंद्र राशि पर आधारित होती है, तो आपके मून साइन पर है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि शनि की ढैया, जितना समय बचा है कैसा है आपके लिए और उसके बाद क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, आपकी राशि में। तो कर्क राशि चौथे नंबर की राशि है और आपकी राशि से शनि आठवें नंबर पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, अभी और कब तक हैं ये 29 मार्च 2025 तक, यानी कि आपकी जो शनि की ढैया है वो 29 मार्च 2025 तक, और उस दिन आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। शनि की जो ढैया होती है ढाई साल के लिए होती है, ढाई साल तक लगती है ये व्यक्ति के जीवन में। अब आपके आठवें भाव पे शनिदेव, फिलहाल आठवां भाव किस चीज का होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आठवां भाव होता है हमारे डीप नॉलेज का, षड्यंत्र का आठवां भाव होता है, कंपटीशन का, कंपटीशन वगैरह का होता है, आठवां भाव होता है बदनामी का भी होता है, और आठवां भाव होता है चोट लगने का, गिरने का, फिसलने का होता है आठवां भाव। कुछ आपके ऊपर लांछन भी लगने का होता है, तो जितने भी ये चीजें होती है वो आठवां भाव होता है। गुप्त रूप से धन, गड़ा हुआ धन भी आठवां भाव होता है। अब शनि आपके आठवें भाव पे बैठकर क्या फल दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो आप करने की सोच रहे थे अभी तक, जो डिसीजन लेते हैं, जो मन में आइडिया आते हैं, तो शनि वहां पर थोड़ा सा विराम लगा देते हैं, शनि वहां पर लगा देते हैं विराम, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, यानी विराम लगा देते हैं, शनि वहां पर लगा देते हैं आपके कामों पे थोड़ी सी रुकावट, खुद भी डाउट होने लग जाते हैं और सामने वाले भी डाउट होने लग जाते हैं, यानी आप जो भी करेंगे वहां से आपको थोड़ी बहुत शंका उत्पन्न होगी खुद के काम में, खुद का किया गया कार्य, ऐसा ही शनिदेव फल देते हैं यहाँ पर अष्टम भाव पे। दोस्तों, शनि जहाँ पर बैठते हैं वहां तो वृद्धि करते हैं पर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज में हो जाना, यात्राएं करना इस समय होती है, ज़्यादातर शेयर मार्केट के संबंधित आप यानी कि पैसा आप लगाना लगते हैं और जैसे ही लगाते हैं आपका पैसा डूबना भी शुरू हो जाता है। इनकम तो होती है, पैसे आते हैं, लेकिन जब एकादश भाव का संबंध हो तब आता है, लेकिन अगर ना हो तो डूबने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको गुप्त गड़ा हुआ धन तो फायदा होगा ये चीज़, और साथ ही व्यापार में आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा, व्यापार में कुछ घाटा भी हो सकता है, पार्टनर में कर रहे हैं तो आपसी मतभेद, धन को लेकर, पैसे को लेकर अलगाव की स्थिति भी देखने को मिलेगी कर्क राशि को शनि की ढैया के समय।
तो इसमें सन की ढैया के समय आपको थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन मिला जुला असर भी देखने को मिलेगा, कई अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी में आपको जो प्रमोशन आप चाह रहे थे, जो आप यानी कि उच्च पद की प्राप्ति चाह रहे थे, अचानक से रुकावट देखने को मिलेगी। 29 मार्च 2025 के बाद आपको ये सारी चीज़ें सफलताएं में तब्दील बदल जाएगी, यानी आपका प्रमोशन भी होगा, बिजनेस व्यापार कारोबारी है तो कारोबार में भी अच्छे खासे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, व्यापार भी अच्छे से चलेगा 29 मार्च के बाद। ये इस चीज़ का बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए। और यहाँ पर आपको देखिए दुर्घटना वगैरह भी हो सकता है, यानी 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपको गाड़ी वाहन से थोड़ी सावधानी बरतनी है, चोट चपेट लग सकती है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा तो कर सकते हैं, या देखिए इसमें यात्रा भी होगी, आप इसमें थकेंगे नहीं, यानी आपके पैरों को थकाएंगे शनिदेव, ट्रेवल करते रहेंगे आप, ऐसा है शनिदेव यहाँ पर बैठ कर देते हैं रिजल्ट। और इसमें आपके मन में कई चीज़ें उत्पन्न होंगी, जैसे राजनीति को लेकर मन उथल पुथल मचेगा, या कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं पैसे वगैरह, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी अगर कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको घाटा भी हो सकता है। घर में आपको इसमें कोई शुभ कार्य हो सकते हैं, शादी व्याह का आयोजन होगा, जिन जातकों के विवाह में कोई देरी थी, हालांकि उनके विवाह में जरूर यहाँ पर एक अच्छा सा रिश्ता आएगा, एक अच्छा सा खुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव जो थे, हालांकि तनाव थोड़े बहुत बने रहेंगे जीवन साथी के साथ, 29 मार्च 2025 के बाद ही सारी चीज़ें ठीक होगी। संतान की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, संतान को लेकर आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खुशखबरी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और यहाँ पर किसी यानी कि अपनों के बीच में कोई अपमानित हो सकते हैं, या फिर लांछन लगने का भी योग बन सकता है इसमें। साथ ही राजनीतिक मसले अगर कोई नहीं सुलझते तो वो सुलझेंगे, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा लाभ होगा, क्योंकि कंपटीशन निकाल पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आपको अच्छा खासा यानी कि सफलता देखने को मिलेगी इसमें, क्योंकि आठवां भाव कंपटीशन का होता है और इसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। जैसे जो लोग आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ये समय। अब चलिए हम आपके उपाय शनिदेव के उपाय की बात करें, तो देखिए कर्क राशि को इस समय शनिदेव के उपाय जरूर करें तो शनि का ढैया आपको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। जैसे शनि के मंत्र का जाप करें, शनिवार के दिन सरसों को तेल का दान करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, और आपको ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष का दर्शन जरूर करें शनिवार के दिन। तो ये था आज की इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ढैया का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।